गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 7.1, चैप्टर 7, क्लास 9 मैथ्स है, और हम इस सवाल को आज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको आकृति को समझ लेते हैं क्वेश्चन के द्वारा। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, यानी ये ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी बराबर ए बी ई दिया हुआ, यानी बी ए डी यानी ये कोण और फिर ए बी ई यानी ये कोण दोनों कोण बराबर है दिया हुआ है। और क्या दिया? ई पी ए यानी ये कोण और फिर डी पी बी यानी ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण के बराबर दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि डी ए पी छायांकित वाला त्रिभुज और बिना छायांकित वाला देखिए कौन सा हो जाएगा, ई पी बी यानी ये दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांशम सिद्ध करना है। और दूसरा में सिद्ध करना है ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई ये सिद्ध करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमको सिद्ध करना होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं हल। हमें सिद्ध करना है वन में सिद्ध करना है त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम त्रिभुज ई पी बी ये सिद्ध करना है। और दूसरा भाग में सिद्ध करना है ए बी बराबर बी पी, ये तो सिद्ध करना है केवल हम लिख दिए। अब देखिए, अब त्रिभुज किसको करना है, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। हम प्रथम भाग को सर्वांशम सिद्ध करेंगे त्रिभुज को। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से प्रश्न से। दिया हुआ क्या दिया कि ई पी ए क्या दिया, कोण ई पी ए बराबर डी पी बी, कोण डी पी बी ये दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि ई पी ए देखिए ई पी ए माने ये कोण, अगर हम क्या करते हैं इस त्रिभुज के लिए छायांकित वाला त्रिभुज के लिए अगर इसको भी ऐड करेंगे तो पूरा क्या होगा मेरा ये कोण इस त्रिभुज के लिए कुलपूर आ जाएगा। तो इसी के लिए क्या करेंगे हम ई पी डी इसमें ऐड कर देंगे तो पूरा कोण हो जाए। तो जो दिया हुआ है ई पी ए देखिए यहां पर ई पी ए माने ये कोण और इस कोण को ऐड करेंगे ई पी डी ऐड कर देंगे। फिर देखते इधर साइड में डी पी बी देखिए डी पी बी माने ये कोण दिया हुआ और इस कोण को ऐड कर लेते हैं तो इस ट्रायंगल के लिए ये कोण आ जाता है। तो वही बात करते हैं, क्या करेंगे दोनों ओर ई पी डी जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे दोनों ओर कोण
क्या जोड़ेंगे? ईपीडी, ईपीडी जोड़ने पर, इधर में भी जोड़ देंगे और इधर में भी जोड़ेंगे, तो कैसे लिखेंगे? कोण ईपीए जोड़ कोण ईपीडी, ईपीडी डी ठीक से लिख देते हैं, बराबर कोण डीपीबी जोड़ कोण ईपीडी, ईपीडी दोनों बल जोड़ दिए। अब देखते हैं ऐसा इसीलिए किए कि इस त्रिभुज के लिए, अब देखिए इस त्रिभुज के लिए यहां से यहां तक का कोण बन जाएगा हमारा, तो क्या लिखेंगे? देखिए ईपीए, ईपीए माने ये, और उसके बाद ईपीडी, तो क्या मिल जाएगा? डीपीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे कोण डीपीडी इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, देखिए इस त्रिभुज के लिए, तो क्या हो जाएगा? डीपीए, डीपीए बराबर कोण, अब इसको देखते हैं डीपीबी, यानी डी पी बी बने ये कोण, अब इसमें जोड़ दिया गया क्या? ई पी डी जोड़ दिया था, क्या बन गया? ई पी बी, क्या बन गया? ई पी बी, ठीक है। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज को क्या करेंगे? एक छायांकित वाला त्रिभुज है, एक छायांकित नहीं है, जो ऐसे 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 आएगा, एक छायांकित वाला, देखिए ऐसे वाले त्रिभुज और एक त्रिभुज, ये दोनों को हमको अब सर्वांशक सिद्ध करना है, जो कि दिया हुआ है किसमें? त्रिभुज, त्रिभुज डी ए पी, डी देखिए डी ए पी छायांकित वाला त्रिभुज, डी ए पी और त्रिभुज किसमें? ईपीबी, त्रिभुज ईपीबी, ईपीबी इस त्रिभुज में, त्रिभुज में। अब इसमें जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख देते हैं। पहले क्या दिया? पहले तो हम निकाले ये कोण निकाले, लिख देते हैं कोण डीपीए बराबर, डी पी ए बराबर कोण ई पी बी, ई पी बी यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण, समीकरण एक से रीजन देना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए इसमें हमको दिया हुआ क्या कि ए पी बराबर, ए पी नहीं, एपी बराबर, एपी बराबर बीपी हो जाएगा, बीपी क्यों होगा? रीजन लिखेंगे पी, पी एबी का मध्य बिंदु है, रीजन हो गया यहां। अब देखिए अब इसमें क्या दिया है? एक दिया है, दिया क्या? डी ए बी ए डी, बी बी ए डी दिया ना, बी ए डी कोण दिया हुआ है यहां पर, बी ए डी, बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ए बी, ए बी ई दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? दिया, दिया जब आप देखिए इसमें देखना ये है कि इसमें ये जो है ये इस त्रिभुज में ये कोण हो गए डी ए डी पी ए, देखिए डी पी ए डी पी डी पी ए ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया और ये फिर कोण हो गया, तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे अतः, अतः ए ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया, ये फिर कोण हो गया, तो क्या हो गया? अतः ए एस
सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से, नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज DAP, DAP सर्वांशम त्रिभुज EPB, EPB ये आपका प्रथम भाग, ये आपका जो दिया गया ये सिद्ध हो गया। और दूसरा, दूसरा बिल्कुल आसान है, क्या लिखना, सीधा आंसर लिख देना है कि AD बराबर BE, AD बराबर BE, क्या चीज से हो जाएगा CPCT, CPCT, क्या चीज से CPCT, CPCT, CPCT से ये हो गया आपका दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो जाता है तो उसका कोई भुजा या कोई कोण बराबर हो जाता है, तो ये CPCT से जब त्रिभुज ये सर्वांशम सिद्ध है ही तो क्या होगा, इसका जो भुजा है इस त्रिभुज का वह बराबर होगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।